मशीन जिसका नाम है रोटी मेकिंग मशीन। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप भी घर पे परेशान हो गए हैं रोटियां बना के, बहुत सारी आपको रोटियां बनानी होती है, तो एक बेहद ही बहुत ही कॉम्पैक्ट मशीन ये जो है ये पूरा रोटी बना देता है। आपको 5 इंचेस की, 7 इंचेस की, 8 इंचेस की या 9 इंचेस की आपको किसी भी प्रकार की रोटी इसमें से बनानी है, किसी भी साइज की, तो आप इस मशीन से बन जाएगी। या आप किसी लड़की की शादी है तो आप इसको रोटी मशीन गिफ्ट कर सकते हो, जो कि बेहतरीन ऑप्शन होता है, जिसको अपने ससुराल में जाके ढेर सारी रोटियां नहीं बनानी पड़ती है। जो रोटियां बना के जो लड़कियां परेशान हो गई है, जो बहुएं परेशान हो गई है, वो ये मशीन ले सकती है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ इसका डेमो। तो ये मैंने डाल दिया है, इसको आटे को पुश कर देना है और ये यहाँ से जस्ट आपको सिंगल टाइम में जो रोटी की जो शीट है उसमें आपको डाल देनी है और आप देखिए ऑटोमेटिक जो आपकी रोटी है वो कट जाएगी। मैंने हाथ भी रिलीज कर दिया है, आप देख सकते हैं पूरा कितनी गोल तरीके की है जो रोटी है वो आ गई है। आप देखिए कितनी गोल रोटी आई है, आपको सिर्फ इसको सेकना है। आप, मैं अगर आपकी इसकी थिकनेस की बात करूँ तो आप इसकी थिकनेस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसकी थिकनेस देखिए कितनी बेहतरीन है, कितनी पतली रोटी आई है वो भी मशीन से देखिए। सारी रोटियाँ एक ही साइज में बनी, सारी की सारी रोटियाँ। यहाँ से देखिए मैंने हाथ रिलीज कर दिया है ऑटोमेटिक। यहाँ से आपको सिर्फ वेस्टेज के लिए एक इंसान आपको चाहिए जो आपकी जो रोटी है, जो रोटी का जो वेस्टेज है वो एक हाथ से उठाता रहे। ये आप देख सकते हैं रोटी कितनी यूनिक रोटी है, आप देखिए सबका साइज से। यहाँ पे हमने छोटी छोटी पूरियों की भी डाई लगाई हुई है, अगर आपको साथ में पूरियाँ भी बनानी है तो वो भी आप इस मशीन से बना सकते हो। गर्मा गर्म एक तरफ तेल रखिए और एक तरफ तवे को रखिए, ऑटोमेटिक आपकी देखिए आलू पूरियों जैसी आपकी जो पूरियाँ है वो भी रेडी हो जाती है। ये देखिए कितनी यूनिक जो है वो मशीन है। आपके आपको वेस्टेज के लिए सिर्फ यहाँ पे आपको मैनुअल करना पड़ेगा। अगर आपका कॉमर्शियल बिजनेस है तो आप इससे बड़ी मशीन भी ले सकते हो जिसमें ये जो वेस्टेज है वो ऑटोमेटिक एक ही जगह पे आता है। तो अगर आपको भी करना है इतना बेहतरीन यूनिक बिजनेस तो आप अभी जो आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कॉल कीजिए और कॉन्टेक्ट।